वंदे मातरम, नमस्ते। आप सभी का नाइस नेचुरोपैथी सेंटर रायपुर में आपका स्वागत है। और यह सेंटर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के द्वारा ऑथराइज्ड है। तो जैसा कि आपने हमारा पिछली वीडियो देखा होगा, सर दर्द पे आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दिया। आप सभी को कैसा लग रहा है हमें बताने का भी प्रयास करें और हमें सपोर्ट करें, लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। क्योंकि हमने एक परम्परा के आधार पे, एक श्रृंखला के आधार पे मैं आपको आगे बताता रहूँगा हर एक समस्याओं के आधार पे। आपको कोई समस्या लगे कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। तो आज का विषय है सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार। इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे और एक सामान्य सी जानकारी और कुछ और भी बेहतर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको आज मैं दूँगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हमें होता क्यों है। थोड़ा सा हम ये जान लें कि हमें होता क्यों है, क्योंकि आप थोड़ा सा कारण भी जानें। और बाकी कारण जानने के लिए आपको इंटरेस्ट है तो आप कुछ पुस्तकें ज़रूर पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें आती है, छोटी छोटी पुस्तकें भी आती है, घरेलू चिकित्सा पर पुस्तकें आती है। तो इस तरह की पुस्तकें आप लाके पढ़ें कि किसी भी बीमारी का कारण जानना ज़रूरी है, उसके आयुर्वेदिक सिद्धांत जानना ज़रूरी है। तो आज हम सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार पर कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अक्सर मौसम बदलने के कारण से, सीजन चेंज होने के कारण से हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है। लेकिन इसमें देखेंगे कि किसी को होता है और किसी को नहीं भी होता है। तो जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है उनको होता है, आप इन चीज़ों को जानेंगे। कुछ कारण होते हैं। तो सबसे पहला ये हुआ कि जो सीज़न चेंज होता है ना, ज़्यादातर जैसे अभी मान लीजिए अभी जाड़े का मौसम है, तो जैसे ही जाड़े का मौसम समाप्त होगा, जैसे ही हमारा मार्च का महीना क्रॉस करेगा, तो जैसे हिंदी में फाल्गुन का महीना, ठीक है, तो जो चैत्र का मास आता है, तो चैत्र के बाद से आगे हमारे भारत में गर्मी का मौसम आने लगता है, जाड़ा जाने लगता है। थोड़ा बहुत अभी ठंड का मौसम है। तो जैसे ही सीज़न चेंज होगा, जो सीज़न का जो टर्निंग पॉइंट होता है चेंज होने का, तो उस समय हमें ये सारी समस्याएं होते हैं। तो पहला कारण है कि मौसम चेंज होने के कारण से हमें होता है। कुछ और भी कारण होता है मौसम चेंज के अलावा भी, किसी किसी को गर्मी के मौसम में भी हो जाता है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, किसी को जाड़े के मौसम में हो जाता है, किसी को बरसात के मौसम में हो जाता है। तो ये सारी कारण होते हैं जिसमें कभी कभी आपको पेट में कब्ज हो, उदर का रोग हो, पेट का रोग हो, तो इसके कारण भी हमें जो है कि ये समस्याएं होती हैं। टॉन्सिल्स का भी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये समस्याएं होती है, ठीक है। शरीर में अगर दी आपकी दुर्बलता हो, मतलब इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो, कम हो, तो हमें अक्सर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है। और सीज़न चेंज आप जान रहे हैं, तो ये सारे हमारे कारण होते हैं। तीन कारणों पर ज़रूर ध्यान दिया करें। और जब आपको ये बुखार हो, ये सारी समस्या होगी, तो क्या दिखेगा आपके शरीर में, कैसा महसूस होगा, वो लक्षण्स क्या होंगे, वो सिम्टम्स क्या होंगे, थोड़ी सी बात इस पर कर लेते हैं। तो जैसे ही आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होगा, तो फर्स्ट आपको थोड़ा सा बेचैनी जैसा महसूस होगा, ठीक है। शरीर में आपको दर्द हो सकता है, ऐसी समस्याएँ हो सकती है, नाक में से, आँख से पानी आ सकता है, छींकें आ सकती है, ठीक है, छींकें जैसे नाक बहने लगा, ठीक है, पानी चलने लगा, ये आएगा। सर में दर्द हो सकता है आपको, ठीक है, सूखी खांसी या गीली खांसी हो सकता है आपको। तो इस तरह की समस्याएं होती है। आवाज़ आपका बैठ सकता है, आवाज़ भारी हो जाना, आप देखेंगे आवाज़ भारी हो जाता है, खाना खाने का मन न करना और रुचि आ जाना, ठीक है, ये सारे कारण होते हैं, ठीक है। नाक से कभी कभी क्या होता है कि दुर्गंध आने लगते हैं लोगों को, जब सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो नाक से गंध आती है, जैसे नज़ला जुकाम होता है ना, तो कभी कभी नाक से गंध आएंगे, गंदा श्राव आएगा नाक से, ठीक है, जो श्राव निकलेगा, जो तरल पदार्थ निकलेगा, उसके अंदर से स्मेलिंग भी रहता है, तो ठीक है, ये भी हो सकता है। और ऐसी सिम्टम्स चेंज होने के, जो सीजन चेंज होने के कारण से जो तकलीफें आएंगी, और कभी कभी लोगों को बुखार भी आता है, अक्सर फीवर भी आ जाती है। तो ये सारे एक ही फैमिली के डिजीज़ हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारे एक ही फैमिली के डिजीज़ हैं। तो अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा आपको कुछ बताऊंगा कि कुछ उपचार जो आपके घर में जो हर्ब्स हैं, और आपके परिवेश में, आपकी प्रकृति में, आपके नेचर के आसपास किस प्रकार की औषधियां हैं वो बताएंगे। क्योंकि दवा वही होती है जो प्रकृति से मिले, दवा वही है जो प्रकृति से मिले। तो
परमात्मा ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया औषधि है, जो हमें डायरेक्ट रूप में मिलता है, उस प्रकार की औषधियों का हम आज बात करेंगे। उससे आप अपनी समस्याओं को, ऐसी समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको अब सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गए तो क्या करें, आपके घर में क्या है, तो सबसे पहले याद आती है, ज़रूर याद रखें, ना हो तो घर में ज़रूर लगाएं रखें, तुलसी का पौधा। तुलसी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम 100 से ज़्यादा बीमारियों को ये ठीक करता है। उसमें से आपको आज मैं एक प्रकार की बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार में तुलसी का प्रयोग होता है। क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप वयस्क हैं, बड़े हैं, आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है, ठीक है, तो तुलसी का रस निकाल सकते हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी अपने हिसाब से ले लीजिए, 15 पत्ते 20 पत्ते ले लीजिए, एक दो काली मिर्च मिलाइए उसमें, उसको पीसिए, चटनी बना के सूती कपड़े में डाल के उसका रस बनाइए, रस निकालिए, और रस निकाल के 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच पी लें सुबह शाम करके पी लें। इससे आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब में राहत मिलेगी। या रस नहीं पी सकते, 10 से 12 तुलसी के पत्ते लीजिए और 2 काली मिर्च लीजिए, और उसको 1 गिलास पानी में डाल के उबालिए, आधे गिलास पानी में डाल के उबालिए, जब पानी आधा बच जाए तो उसके बाद छान के उसे पी लें, सुबह शाम पी लें। सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो तो नाक में सरसों तेल लगा के जरूर पिए। तो तुलसी का पौधा इस तरह की समस्याओं को आपको दूर करता है और बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी प्रकार हमारे घरों में हल्दी भी होता है, हल्दी का रस भी पी सकते हैं। जैसे हल्दी का रस निकाला, 1 चम्मच सुबह शाम पी लिया, हल्दी के टुकड़े को आप चूस सकते हैं, टॉफ़ी की तरह चूस सकते हैं, ये भी आपकी सर्दी खांसी जुकाम बुखार में काम आता है। या हल्दी का पाउडर घर में है तो 2-4 चुटकी हल्दी का पाउडर लेके, सभी मैं बड़े व्यक्ति की मात्रा बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, जो मैं मात्रा बात कर रहा हूँ बड़ों की बात कर रहा हूँ, बच्चे को हो तो आपसे कम मात्रा में दे रहा है। जैसे मान लिया 5 साल का बच्चा है तो हल्दी का 1 चुटकी पाउडर, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है तो थोड़ा उससे भी कम। जैसे तुलसी का रस की बात किया मैंने, छोटे बच्चे को तुलसी का रस, जैसे मान लिया कोई बच्चे को 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने 8 महीने का बच्चा है, उसको कैसे दें, तो कुछ बूंद में देना पड़ेगा मुझे तुलसी का रस, 10-12 बूंद, 7 बूंद 8 बूंद इस तरह से देंगे, थोड़ा सा शहद मिला के चटा देंगे, बच्चे को शहद मिला के हम दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करें, ठीक है। और जब सर्दी खांसी जुकाम हो तो सरसों के तेल से अपने पैर के तलवों की मालिश जरूर करें, बहुत राहत मिलता है। लेकिन अगर यदि बुखार भी हो, बुखार चढ़ा हो, तो चढ़ती बुखार में, चढ़ते ज्वर में आपको तेल से मालिश नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अगर यदि केवल जुकाम और बुखार है तो आपको आप मालिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे आसपास भी मिलते हैं जिसमें पान के पत्ते हैं, तो पान के पत्ते, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, जैसे किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, छाती भारी भारी लग रहा है, छाती में हल्का दर्द है, तो क्या कर सकते हैं, पान के पत्ते लाइए और पान के पत्ते पे तेल लगाइए, सरसों तेल लगाइए, पत्ते को हल्का गर्म करें, हल्का गर्म करके छाती पे अपने लगा के उसे बांधें। इसको बांधने से क्या होगा, जो सीने में दर्द है, जो जुकाम है, ठीक है, उसमें बहुत राहत मिलता है। तो हर घरों में होता है, आपके आसपास बाजार में भी मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें ला के कर सकते हैं, बच्चे को भी करा सकते हैं, थोड़ी सी सरसों, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, उनको छाती में कफ भर गया है तो थोड़ा सा क्या करें, सरसों तेल ले लें, उसमें सेंधा नमक डालें, सेंधा नमक डाल के गर्म कीजिए और गुनगुने इस तेल से छाती और पीठ की मालिश जरूर करें, ठीक है, इससे कफ हमारा बाहर होता है तो आस जो कि बहुत राहत मिल जाता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ हम बात करें तो हमारे आयुर्वेद में वर्णन है त्रिकुटा, त्रिकुटा एक औषधि होती है जिसमें 3 प्रकार की हमारे घर के हर्ब्स होते हैं, हमारी औषधियाँ होती है, इस त्रिकुटा का प्रयोग सर्दी खांसी जुकाम बुखार में किया जाता है, जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पीपल होता है, जिसे पीपर भी कहते हैं, सभी समान मात्रा में लेके कूट के पाउडर बना के मिला के रखते हैं, इसे त्रिकुटा कहते हैं। तो त्रिकुटा भी थोड़ा सा 1/4 चम्मच लेके पानी में उबाल के थोड़ा गुड़ मिला के पी सकते हैं, ठीक है, काढ़ा बना के, ये भी सर्दी खांसी जुकाम में हमें काम देता है। या त्रिकुटा का पाउडर 1/4 चम्मच लेके आधा 1 चम्मच शहद में मिला के चट सकते हैं, चाट सकते हैं, इससे भी आपको राहत मिलेगा। बच्चे हो तो त्रिकुटा की मात्रा काफ़ी कम रखनी है, 1 चुटकी तक रखना है, ठीक है, उसको शहद मिला के चटाना है। इस तरह की चीज़ें होती है। जुकाम है तो क्या कर सकते हैं, तेज पत्ते होते हैं, तेज पत्ते को जला करके उसकी जो धुआं निकलता है, उस धुएं को, उसके सुगंध को, उसके गंध को हमें सूंघना है,
तो इससे भी हमें राहत मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ और चीज़ों की बात करें कि मान लीजिए मैंने अभी आपको सभी सिंगल सिंगल औषधि बताया, एकल औषधि कहते हैं आयुर्वेद में। मान लीजिए हम कुछ औषध को मिला के लें, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, सभी कुछ औषधियों को एक साथ मिला के, इसको आयुर्वेद में योग भी कहते हैं, ठीक है, इसे योग भी कहते हैं। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, कुछ भी, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, क्या करें, कुछ पत्ते तुलसी के ले लिया, 8-10-12 तुलसी के पत्ते ले लिया, ठीक है, 1-2 काली मिर्च ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा अजवाइन ले लिया, मतलब 1/4 चम्मच के आसपास अजवाइन ले लिया, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया, क्या लेना है, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का ले लेना है। थोड़ा सा अगर दी कमजोरी लग रहा है, थोड़ा कफ है, तो मुनक्का भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो बीज निकला हुआ मुनक्का 4-5 मुनक्का भी ले लिया, थोड़ा गुड़ मिलाया, ठीक है, ज़्यादा कफ हो इसमें 1-2 कली लहसुन का भी मिला सकते हैं। इसको मिला के 1 गिलास पानी लेना है, उसमें डाल के उबालना है, जब पानी आधा बचेगा छान के थोड़ा गुड़ उगड़ मिला ही लिए, तो गुनगुना गुनगुना चाय की तरह पीना है। जुकाम हो, नाक से पानी चल रहा हो, तो सरसों तेल ज़रूर लगाएं। जब सरसों तेल लगाते हैं तो शरीर के अंदर और ये जो हिस्सा है हमारे अंदर, ऐसे परिवर्तन होता है कि जब एक तो मैं क्या करता हूँ, गर्म काढ़े पीता हूँ, ठीक है, और जुकाम जो चल रहा है सरसों तेल लगा के पीते हैं, तो वो चीज़ की जो काढ़े की जो गर्माइश है, काढ़े के अंदर जो गर्मी है, वो हमारे जो ये हिस्सा होता है इस पर भी वो प्रभाव डालता है। और नाक में जो सरसों तेल लगाते हैं, ये भी हमें जुकाम में राहत देता है, सर्दी खांसी जुकाम में देता है राहत। लेकिन जब काढ़ा पीते हैं तो सरसों तेल की गति बढ़ जाती है ठीक करने की, जुकाम की, ठीक है। तो ऐसा कई हम लोगों पर हमने प्रयोग करा है और इसका अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो आप सरसों तेल लगा के पिए, या सरसों तेल नाक में लगा के जो काढ़ा जब उबल रहा हो तो उसकी भाप भी लें, तो सर्दी खांसी जुकाम सर के दर्द में भी काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इन चीज़ों से ज़रूर आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं, अपने पड़ोसी को ठीक कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार को ठीक कर सकते हैं और अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आपदा चल रहा है। मैं कहूँगा आपदा जो चल रहा है, इतनी बड़ी आपदा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी कम नहीं हो रहा। तो जागरूक होइए और इस चिकित्सा क्रांति में नाइस नेचुरोपैथी सेंटर रायपुर को साथ दें और हमसे जुड़ें, और जो भी समस्या हो और इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। तो इस ज्ञान को औरों में बांटिए ताकि हमारा भारत स्वस्थ और समृद्ध बन सके, वैभवशाली बन सके। तो ये ध्यान रखना है और कुछ विशेष चीज़ों का परहेज भी रखना है कि जब ये समस्या हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। छोटी सी बात है कि बरसात से भीगने से बचिए, बारिश में भीगने से बचिए, बहुत ज़रूरी है। ठंड, ज़्यादा ठंड के मौसम अगर दिया ऐसा हो तो ज़्यादा बाहर खुली हवा में ना निकलें, ठीक है। जैसे अचानक आप ठंड लग गई तो उसमें परहेज करना है, कान में कपड़े लगाना है कि कान में ज़्यादा हवा ना जाए, ये ध्यान रखना है। अगर दी कभी गर्मी के मौसम में ऐसा होता है तो कड़ी धूप में डायरेक्ट ना जाए और आकर के तुरंत पानी ना पिए, नहीं तो सर्द गर्म लग जाता है, इससे भी होता है। रात्रि में ज़्यादा ना जागे, ज़्यादा जागने से भी ये समस्याएं होती है, ठीक है। दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में भी सोएंगे तो ऐसी समस्याएं आपको हो सकती है, ठीक है। पंखे कूलर में एकाएक जैसे पसीने से आए, आप कहीं से धूप से आए, ठीक है, धूप से तेज आए और तुरंत आकर के जो है ना पंखे या कूलर ना चलाएं, अपने शरीर को तुरंत ठंडा ना करें। बॉडी हमारा धीरे धीरे अपने शरीर को अपने आप टेम्परेचर में लाता है, अचानक लाएंगे हमारा बॉडी कन्फ्यूज कर जाता है और अचानक से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और हमें ये समस्याएं हो जाती है। धूल के ज़्यादा माहौल में, जैसे कभी ज़्यादा धूल कहीं, जैसे गाँव का धूल मैं गलत नहीं कर सकता, शहर वाली जो धूल होती है, धूल कण होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो सड़कों पे होते हैं, वैसी चीज़ों से बचें, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, हमारे पूरे शरीर के अंग तंत्र को ख़राब करता है। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। तो आशा करते हैं इस ज्ञान को आप जीवन में उतारेंगे और इसे करेंगे। बाकी विशेष परिस्थिति में उपचार के दौरान कुछ समझ में ना आए, कोई तकलीफें हो, तो इस विषय के जानकार व्यक्ति से, दादी नानी किसी चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। विशेष परिस्थिति में हमारे सेंटर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये जानकारी छोटी सी कैसा रहा आप लोगों के बीच में हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर बताया करें। तो नमस्ते आप सभी को, वंदे मातरम। होगी चिकित्सा क्रांति, दे साथ।
स्वस्थ समृद्ध परिवार का, निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार। भोजनान्ते विषमवारि, भोजन के अंत में पिया गया पानी जहर तुल्य है। पाचन तंत्र के अंगों उपांगों शरीर के जोड़ों को हो बचाना, तो कभी ना पिए पानी खड़े होकर और ना ही पिए अति शीतल पानी। पिए शौच से पहले गुनगुना पानी और पिए घूट घूट कर पानी। करें भोजन सुखासन में और कर भोजन बैठें वज्रासन में। कह गए अनमोल निरोगी मंत्र भाई राजीव दीक्षित जी अपनी वाणी में। स्वस्थ समृद्ध परिवार का निर्माण प्रयास हमारा, सहयोग आशीर्वाद अनुभव आप सबका। स्वस्थ समृद्ध परिवार व स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत की ओर एक पहल।